दोस्तों ये है वाकी 2-in-1 हैंड्स फ्री एलईडी डिस्प्ले ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर। आप इसमें दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर बहुत ही एडवांस है। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, डिस्प्ले मिलता है विथ माइक, एंड सबसे अच्छा बात है कि दो ब्लूटूथ हेडफोन या दो ब्लूटूथ ईयरफोन को आप ये डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं इसका सभी डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड चेक करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स पैक में ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर 2-in-1 वायरलेस अडाप्टर आपको मिलता है। सपोर्ट कॉन्टैक्ट का डिटेल्स दिया गया है एंड इसका मॉडल नंबर जो है CBBT 34 है, ये वाकी ब्रांड का है। एंड बैक साइड में इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो क्विकली मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो टोटल बॉक्स के अंदर आपको इतना ही सामान मिलता है, जैसे ये उसका वारंटी कार्ड है, इसमें क्यूआर कोड सेम दिया गया है आपको इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड सेकेंड आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है एंड यहाँ पे कुछ केबल्स वगैरह भी दिया गया है, जैसे ये ऑक्सिलरी केबल है एंड केबल का क्वालिटी भी काफी अच्छा है। एंड ये जगह में एक अडाप्टर दिया गया है जो कि ऑक्सिलरी डबल साइड में ऑक्सिलरी पिन है 3.5 mm का। तो यहाँ पे एक ऑडियो केबल भी आपको मिलता है, जैसे ऑडियो लेफ्ट एंड राइट है, एक साइड में 3.5 mm का पिन आपको मिलता है। एंड नीचे की तरफ आपको चार्जिंग के लिए एक केबल मिलता है जो कि USB A Type 2 USB C Type है। तो ये है हमारा ब्लूटूथ रिसीवर कम ट्रांसमीटर। तो यहाँ से आप इसका क्लोज लुक देख सकते हैं। तो बैक साइड में भी इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन विथ मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। ऊपर यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन है एंड यहाँ पे एक डिस्प्ले है, जैसे ये प्ले एंड पॉज का बटन है, यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है, यहाँ पे ब्लूटूथ का बटन दिया गया है। एंड ये साइड में देखा जाए तो TX एंड RX का एक बटन दिया गया है। ये जगह में आपको USB C Type का पोर्ट दिया गया है जो की चार्जिंग के लिए है। एंड ये साइड में आपको 3.5 mm का पोर्ट मिलता है। दोस्तों ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर बहुत ही एडवांस है। लास्ट टाइम मैं आपको वाकी क्लिपन का रिव्यू दिखाया था, ये एक ब्लूटूथ रिसीवर है, इसमें भी अच्छा फीचर्स दिया गया है एंड इसका साउंड क्वालिटी भी आपको बहुत ही बेहतर मिलता है। ये क्लिप डिजाइन है बट ये उसका एडवांस मॉडल है, इसमें आपको रिसीवर विथ ट्रांसमीटर भी मिलता है। ट्रांसमीटर मोड में आप इसको टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास PC है या लैपटॉप है तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है रिसीवर मोड। रिसीवर मोड में आपके पास अगर पुराना होम थिएटर सिस्टम है तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं या कार का स्टीरियो में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसको फास्ट बूट करेंगे तो ये जो प्ले एंड पॉज बटन है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो आपको वेलकम मैसेज आ जाता है, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। जैसे इसका छोटा सा LCD डिस्प्ले आप देख सकते हैं, बीच में कनेक्टिंग आ रहा है एंड लेफ्ट साइड टॉप में TX लिखा गया है, मीन्स ये ट्रांसमीटर मोड में है। मिडिल टॉप में आपको इसका वॉल्यूम मिलता है एंड राइट साइड का टॉप में आपको इसका बैटरी का जो सिंबल है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप डुअल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ब्लूटूथ का ईयरबड्स है, उसके साथ साथ एक नेक बैंड का ईयरफोन है। तो मैं जैसे ही ये ईयरबड्स को ऐसे ओपन कर देता हूँ तो अभी ये ईयरबड्स जो है ये पेयरिंग मोड में आ गया है, जैसे ये लाइट अभी ब्लिंक हो रहा है तो ये सर्चिंग में ये शो करेगा, जैसे अभी वेपन G100 शो कर दिया। तो सिंपल आपको प्ले एंड पॉज बटन को क्लिक कर देना है, उसके बाद ये कनेक्ट हो गया, जैसे नीचे अभी आ गया वेपन G100। तो सेम टाइम में आप दूसरा जो भी आपके पास ईयरफोन या ईयरबड्स होगा उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको ये ब्लूटूथ का जो बटन है टॉप में उसको आपको प्रेस करना है, उसके बाद ऊपर सर्चिंग आ रहा है। तो मैं ये नेकबैंड ईयरफोन को ऑन कर देता हूँ एंड इसको पेयरिंग मोड में रखता हूँ, जैसे ये अभी पेयरिंग मोड में है, जैसे अभी रॉकर्स आ गया। तो उसके बाद फिर से आपको प्ले एंड जो पॉज का बटन है उसको क्लिक कर देना है। तो नीचे आप देख सकते हैं वेपन शो कर रहा है जो हमारा ये ईयरबड्स है एंड ऊपर आ गया अभी वेपन एंड नीचे आ गया रॉकर्स, मीन्स ये दो डिवाइस अभी इसमें कनेक्टेड है। तो अगर मैं ये सिचुएशन में ये दोनों डिवाइस को ऑफ कर देता हूँ, फिर से ऑन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी एक को बंद कर दिया तो ऊपर से एक हट गया, तो दूसरे को भी मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये भी यहाँ से हट गया। तो जैसे ही मैं ये दोनों डिवाइस को जस्ट ऑन कर दूंगा तो ये जगह में वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी मैं ऑन कर दिया एंड इसको भी मैं ऑन कर दिया, तो इसमें ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएगा।
जैसे ये अभी आप देख सकते हैं ये रॉकर्स जो है ये कनेक्ट हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर का सर्चिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही ये सर्च कर लेता है ऑटोमेटिक इसको ये कनेक्ट कर देता है, तो आपको मैनुअली फिर से कनेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है, जो डिवाइस लास्ट टाइम कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जैसे अभी हमारा दोनों डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो कभी भी अगर आपको एक नया डिवाइस को इसमें कनेक्ट करना है, जैसे मैं ये ईयरबड्स को यहाँ पे डिसकनेक्ट कर दिया, ओनली रॉकर्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो सिचुएशन में भी आप मैनुअली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास और एक ईयरबड्स है, तो इसको मैं पहले पेयरिंग मोड में मुझे लाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ बटन जो है उसको प्रेस करना है, तो ऊपर फिर से सर्चिंग आ रहा है। तो जैसे ही ये ईयरबड्स का नेम यहाँ पे शो करेगा, आपको सिंपल प्ले एंड पॉज का बटन प्रेस कर देना है, तो ये ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएगा। जैसे लेजेंडर आ गया, तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये अभी कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो प्रीवियसली कनेक्ट हुआ था, इसको फिर से अगर आपको कनेक्ट करना है तो मैनुअली आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, जब आप ट्रांसमीटर मोड में टीवी में कनेक्ट करेंगे तो आपका टीवी का जो हेडफोन जैक रहता है उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो मैक्सिमम टीवी में बैक साइड में हेडफोन जैक आपको मिलता है या टीवी का साइड में आपको हेडफोन जैक मिलता है। अगर आपका टीवी में हेडफोन जैक नहीं है तो डेफिनेटली उसमें ऑडियो आउट का पोर्ट रहेगा। जैसे कि ऑडियो आउट का पोर्ट रेड एंड व्हाइट में रहता है, तो उसमें भी आप ये केबल का मदद से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये केबल में एक रेड एंड व्हाइट का है एंड दूसरा एंड जो है वो 3.5 mm का ऑडियो जैक है, तो ये केबल का मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका टीवी में हेडफोन जैक है तो डायरेक्ट आप ये एडाप्टर को यूज कर सकते हैं। जैसे एक एंड टीवी में लगता है, दूसरा एंड जो है हमारा ट्रांसमीटर में लगेगा, या ये ऑक्सिलरी केबल को भी आप यूज कर सकते हैं। इसका एक एंड आपको हेडफोन जैक में लगाना है, दूसरा एंड जो है उसको ट्रांसमीटर में लगाना है। तो कुछ टीवी में आप देखेंगे तो आपको ऑडियो आउट की जगह ऑडियो इन भी मिलता है, बट आपको ध्यान देना है ओनली ऑडियो आउट में ही आपको कनेक्ट करना है। तो कंपनी यहाँ पे जो ऑक्सिलरी केबल दिया है उसके माध्यम से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये एंड आपको हेडफोन जैक में लगाना है एंड दूसरा एंड जो है हमको ब्लूटूथ ट्रांसमीटर में कनेक्ट करना है। अभी मैं टीवी का ऑक्सिलरी पोर्ट में इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके साथ साथ आप ये डिस्प्ले में देख सकते हैं हमारा दो डिवाइस ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जैसे ही मैं कंटेंट को प्ले करूंगा तो हमारा जो दो डिवाइस है उसमें आउटपुट आएगा। तो मैं पहले यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, तो अभी हमारा दोनों डिवाइस में आवाज आ रहा है। तो यहाँ से आप सुन सकते हैं हमारा जो ईयरबड्स है उसका आवाज यहाँ से आ रहा है, एंड हमारा जो नेक बैंड ईयरफोन है तो उसके पास भी मैं माइक लेके आपको सुना देता हूँ। तो दोनों डिवाइस में सेम टाइम में आवाज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ईयरबड्स को भी हाथ में रखा हूँ एंड यहाँ पे हमारा नेक बैंड ईयरफोन भी है, तो यहाँ से भी आप सुन सकते हैं। तो ट्रांसमीटर मोड में भी आप इसके मदद से वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट एंड राइट में दो है तो इसमें आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो जैसे अभी आप माइक में सुन सकते हैं आवाज एकदम कम हो गया, तो ये प्लस को मैं ये जगह में लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, तो अभी आप सुन सकते हैं जो हमारा आवाज है वो ज्यादा हो गया। तो यहाँ से भी आप इसका वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसमीटर मोड में। अगर आप इसको ट्रांसमीटर मोड में कनेक्ट किए हैं या रिसीवर मोड में भी कनेक्ट किए हैं तो भी इसमें चार्जर लगा के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे चार्जर लगा दिया, तो अभी हमारा बैटरी का जो सिंबल है ये रनिंग हो रहा है, मीन्स ये चार्ज हो रहा है, फिर भी ये काम कर रहा है। दोस्तों, जितना मैं इसका साउंड क्वालिटी चेक किया ट्रांसमीटर मोड में, मुझे इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा। इसमें आपको स्टेरियो साउंड मिलता है, इसका साउंड बहुत ही क्लियर है। अगर हम इसका लेटेंसी का बात करते हैं तो इसमें आपको लेटेंसी 0 के बराबर मिलता है। इसमें कोई भी अनवांटेड नॉइज आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि कोई भी ब्लूटूथ ट्रांसमीटर वगैरह आप देखेंगे तो उसमें आपको हिसिंग साउंड सुनने के लिए मिलता है, बट इसमें आपको कोई भी हिसिंग साउंड सुनने के लिए नहीं मिलता है। एंड डिस्कनेक्ट करने के टाइम में भी इसमें कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो जैसे मैं आपको ट्रांसमीटर मोड में दिखाया, इसमें आप दो ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन या दो ब्लूटूथ स्पीकर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम है RX मोड में। RX मोड में आप इसमें दो मोबाइल फोन को एक साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको रिसीवर मोड में चेंज करना है तो नीचे जो बटन दिया गया है TX से आपको RX में चेंज कर देना है। उसके बाद ये जो प्ले एंड पॉज का बटन है इसको आपको ऑन कर देना है। तो वेलकम मैसेज के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा CB PT 34, ये उसका ब्लूटूथ नेम है। तो उसके बाद दो मोबाइल फोन को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों फोन को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ये फोन का ब्लूटूथ में मैं जाता हूं तो CB BT 34 दिखा रहा है, आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जगह में फोन का नेम जो है शो कर दिया, जैसे ये जगह में आईफोन आ गया। तो उसके बाद ये जो ब्लूटूथ बटन है इसको आपको सिंगल प्रेस कर देना है, तो ऊपर फिर से आपको पेयरिंग ऑप्शन दिखेगा, तो दूसरा फोन में भी ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेयरिंग कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये फोन में भी ये कनेक्टेड है, यहाँ पे
भी कनेक्टेड है एंड दोनों फोन का नेम जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब भी आपको एक नया फोन में कनेक्ट करना है तो पहले एक फोन से उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसे ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो एक फोन का नेम यहाँ पे हट जाता है। उसके बाद ये बीटी बटन को आपको प्रेस करना है, सेम जैसे मैं आपको दिखाया सेम माध्यम से आपको दूसरा फोन को भी कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट हो जाने के बाद आपके पास अगर पुराना कोई भी होम थिएटर सिस्टम है, कार का स्टीरियो है या कोई भी साउंड बार है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, अगर ब्लूटूथ है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्लूटूथ नहीं है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका जो होम थिएटर सिस्टम हुआ या स्पीकर सिस्टम हुआ उसमें ऑक्सिलरी पोर्ट होना जरूरी है। तो सिंपल ये जो ऑक्स केबल है इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है एंड जो दूसरा एंड है उसको आपको ट्रांसमीटर में ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो आपका ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद आपका स्पीकर सिस्टम को आपको ऑन कर देना है। तो दोनों मोबाइल फोन से आप इसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, जैसे कि ये सिस्टम में अभी चल रहा है एंड दूसरा मोबाइल फोन जो है ये है। तो ये जगह में आप देख सकते हैं मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। इसको अगर मैं पॉज कर देता हूँ एंड यहाँ पे प्ले करता हूँ तो ये मोबाइल फोन में जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है। जैसे मैं अभी इसको पॉज कर देता हूँ एंड इसको प्ले करता हूँ तो दूसरा सॉन्ग जो है दूसरा मोबाइल फोन से प्ले हो गया। तो जैसे मैं दिखाया दोनों मोबाइल फोन से आप आपका चॉइस का गाना सुन सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो डिवाइस है यहाँ से भी आप गाना को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं पॉज कर दिया था, अभी प्ले कर दिया, फिर से यहाँ से पॉज कर दिया तो ये पॉज हो गया, फिर से अगर यहाँ से प्ले कर दिया तो ये प्ले हो गया। एंड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एंड नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग को भी प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है ये बटन को सिंगल क्लिक कर देना है तो प्रीवियस सॉन्ग जो है ये प्ले हो जाता है। फिर से यहाँ से अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है तो सिंगल क्लिक कर देना है तो नेक्स्ट सॉन्ग जो है ये प्ले हो जाता है। अगर आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो यहाँ से भी आप वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो ऊपर भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है अभी 2 हो गया। तो इसको भी मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो वॉल्यूम जो है फुल हो जाएगा। वॉल्यूम जो है अभी 16 हो गया, तो इसमें मैक्सिमम 16 वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर को अगर आप आपका कार का स्टीरियो में कनेक्ट करते हैं तो सिचुएशन में आपको और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। नॉर्मली जो कार का स्टीरियो रहता है उसमें आप एक ही मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें गाना आप सुन सकते हैं। बट ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर को अगर आप आपका कार का म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं तो सिचुएशन में इसमें आप दो मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं एंड दोनों मोबाइल फोन से आपका चॉइस का गाना आप सुन सकते हैं। तो सिंपल जैसे मैं आपको दिखाया इसको आपको दो मोबाइल फोन को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका कार का स्टीरियो में जो ऑक्सिलरी पोर्ट रहेगा उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद आपका सिस्टम में जो भी ऑक्सिलरी कनेक्शन का सेटिंग रहेगा उसमें आपको जाना है। जैसे अभी ये दोनों फोन कनेक्टेड है, ये फोन से भी मैं अगर प्ले करता हूं तो भी यहां पे सॉन्ग जो है ये प्ले हो रहा है। सेकंड अगर यहां से मैं प्ले करता हूं एंड इसको पॉज कर देता हूं तो इसमें जो सॉन्ग है ये यहाँ पे प्ले हो रहा है। जैसे अभी इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो इसको मैं पॉज कर दिया, फिर यहाँ से प्ले किया तो यहाँ से भी गाना चालू हो गया। अगर आपके पास दो फोन रहेगा तो आप दोनों फोन से अपना अपना चॉइस का गाना आपका कार का स्टीरियो में सुन सकते हैं। तो इसमें इनबिल्ट माइक भी दिया गया है। अगर आप कोई भी फोन से कॉल करते हैं, दोनों फोन से एक फोन को कॉल आता है तो भी इसका माइक्रोफोन से भी आप रिसीव कर सकते हैं कॉल को। हेलो 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 हेलो। तो अभी आप सुन सकते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूं बट मेरा आवाज जो है कार का स्पीकर में आ रहा है। तो इसका माइक्रोफोन भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे आप यहां पे सुन सकते हैं आवाज प्रॉपरली आ रहा है। तो रिसीवर मोड में भी इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। जैसे मैं आपको बताया था ट्रांसमीटर मोड में आपको स्टेरियो साउंड मिलता है, साउंड काफी क्लियर था। सेम टू सेम साउंड क्वालिटी आपको रिसीवर मोड में भी मिलता है। तो इसमें भी आपको कोई भी इरिटेटिंग साउंड सुनने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि नॉर्मली रिसीवर वगैरह में कनेक्ट डिसकनेक्ट ऐसे साउंड सुनने के लिए मिलता है, बट इसमें आपको कोई भी अनवांटेड साउंड सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ट्रांसमीटर मोड एंड रिसीवर मोड में आपको बहुत ही बेहतर क्वालिटी का साउंड सुनने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स फाइनली अगर हम इसका बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं तो अप टू 12 आवर का आपको इसमें बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है। आपको बार बार चार्ज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो थ्रू आउट देखा जाए तो ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है जो कि आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है तो कोई भी डिवाइस में कनेक्शन में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। साइज में ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक में भी ये बना है,
इसमें आपको एक क्लियर LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें आप जान सकते हैं कौन कौन सा डिवाइस के साथ ये कनेक्टेड है एंड उसका बैटरी लेवल भी आप जान सकते हैं। एंड सबसे जो मुझे अच्छा लगा इसका फीचर्स वो है इसका डुअल कनेक्शन, इसमें आप डुअल डिवाइस को कनेक्ट भी कर सकते हैं। कंपनी ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर के ऊपर आपको 1 साल का वारंटी देता है। अगर मार्केट में आप ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर परचेस करने जाएंगे तो लगभग आपको 500 रुपये से लेकर 2500-3000 रुपये के आसपास मिलता है, बट इसमें सभी फीचर्स होने के बाद भी ये ओनली मिलता है आपको 1490 रुपये में। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कम रिसीवर रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है आपका मन में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून।